यशवर्धन ठाकुर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य राहुल सिंह ठाकुर, पत्रकार सागर एक्सप्रेस न्यूज। छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जिला प्रशासन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा, भाजपा के इशारे पर काम कर रहा प्रशासन। कांग्रेस नेता चरण सिंह पर लगाया गया फर्जी मुकदमा, बिना नोटिस के खदानों की करवाई नपती। छतरपुर के कांग्रेसी विधायक आलोक चतुर्वेदी ने आनंद फानंद में बड़ा मलहरा के एक होटल पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। आलोक चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि उनकी जितनी खनिज खदानें हैं, उन सब खदानों की प्रशासन द्वारा नपती कराई गई है। प्रशासन उन पर हर प्रकार से दबाव डाल रहा है। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन जबरिया कार्यवाही कर रही है। चतुर्वेदी जी हैं, उनको भी अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उनके खदानों के लेकर, उनकी जमीनों को लेकर सारी तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम लोग ये सब सहने वालों में से नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इलेक्शन कमीशन से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से और राष्ट्रपति महामहिम से भी हम इसकी गुजारिश करेंगे कि इनको तुरंत इधर से हटाया जाए, नहीं तो ये चुनाव प्रभावित होगा। कौन परेशान कर रहा है आपको? भाजपा नहीं, देखिए भाजपा के भाजपा के कहने पर पूर्व में हमने, जब आज तो आप समझिए आज 28-29 तारीख हो गई, हमने 20 दिन पहले इनको आग्रह करा था इलेक्शन कमीशन को। 20 दिन पहले हमने कहा था कि इनके रहते हुए यहाँ पर निष्पक्षता पूर्वक काम नहीं हो सकता, मतदान नहीं हो सकता है, चुनाव नहीं हो सकता है। पूरे उनके जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो SDOP हो, TI हो, सिपाही हो, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी हो, RI हो, जो भी हैं। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत की गई थी और हम पुनः आज एक शिकायत पत्र निर्वाचन आयोग को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रेषित करेंगे। चरण सिंह यादव पर किस तरीके की कार्रवाई की गई? आप देख लेना किस तरीके की कार्रवाई की गई। एक दिन कहीं किसी ने, कोई घटनाक्रम नहीं घटी, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे इधर पे लाद दिए गए और तुरंत उसको 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। ऐसे 10,000 के इनाम घोषित जो है, जो अपराधी हैं, ST-सीटर अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। और एक अगले व्यक्ति को इसलिए ये प्रताड़ना मिल रही कि उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। क्या मानते हैं इसमें, भाजपा या जिला पुलिस प्रशासन इसमें? सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव है, इसीलिए हम लोगों ने उनको पहले शिकायत की गई थी कि या इस तरीके से निष्पक्षता पूर्वक इसमें चुनाव नहीं हो सकते हैं। वो आपने देख लिया कि ये नहीं हुए और यदि इनको नहीं हटाया गया तो आप देखिए मतदान भी प्रभावित करेंगे। विधायक जी, आपकी खदानों पर भी प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है, किस तरीके से आप? देखिए भाजपा, बहुत सीधी सीधी बात है कि शासन और प्रशासन के द्वारा अब भाजपा को जिताने का काम चल रहा है। चरण सिंह यादव पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को उन्होंने भाजपा से प्रेरित बताया है। वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने भी जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP के एजेंट के रूप में काम कर रहा है प्रशासन। चुनाव आयोग से कराऊंगा शिकायत। जिला अध्यक्ष बोले, बड़ा मलहरा में उपचुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं है। नहीं, देखिए भाजपा के भाजपा के कहने पर पूर्व में हमने, जब आज तो आप समझिए आज 28-29 तारीख हो गई, हमने 20 दिन पहले उनको आग्रह करा था इलेक्शन कमीशन को। 20 दिन पहले हमने कहा था कि इनके रहते हुए यहाँ पर निष्पक्षता पूर्वक काम नहीं हो सकता, मतदान नहीं हो सकता है, चुनाव नहीं हो सकता है। पूरे उनके जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो SDOP हो, TI हो, सिपाही हो, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी हो, RI हो, जो भी हैं। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत की गई थी और हम पुनः आज एक शिकायत पत्र निर्वाचन आयोग को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रेषित करेंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए छतरपुर से कमलेश चंदपुरिया की रिपोर्ट।